What's up guys, the स्ट्रीट गाय में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, बाल खड़े हो रहे हैं, बाल स्पाइक बना रहा हूँ मैं, स्टाइल मार रहा हूँ मैं आजकल। सो ये सभी है मेरे ट्रिक्स का रिजल्ट्स, जो कि मैं एक महीने बाद आपको पोस्ट कर रहा हूँ। खुशी हो रही है और उन सब के लिए भी खुशी हो रही है जिन लोगों ने मेरी टिप्स यूज़ की है और उनको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, और दुख नहीं, उनके लिए भी खुशी हो रही है जिन लोग कंटिन्यूसली अभी तक ट्राई कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अभी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले और इंशाल्लाह उनका भी सर मस्त बालों से भरा हुआ और उन लोग भी एकदम हैंडसम लगे, सलमान खान शाहरुख खान जैसे। सो यही सब था कि कुछ अच्छा काम कर पाऊँ मैं इस लाइफ में। सो ये एक जरिया पकड़ा था मैंने। आप भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आपके दिल में चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड वाइड जाके, या फिर पब्लिक का फियर है, पब्लिक डांटेगी, नाचेगी, कूदेगी या बाल मारेगी, ये सब चीज़ों की वजह से वो क्या है बात, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, आप लोगों के और लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो बेस्ट है, ये जियो वालों ने बहुत उपकार कर दिया अपने ऊपर, जो 1 GB देता है भाई 1 GB में रोज का एक वीडियो भी डाल दोगे तो आपकी पहचान बननी है, लोगों तक पहुंच जाएगी। और दुआ करेंगे कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, और बेस्ट वे है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग आजकल गूगल से ज़्यादा जो भी चीज़ों का मतलब रिव्यू, फीडबैक, कुछ भी हो, अनबॉक्सिंग वगैरह सब यूट्यूब पे चेक करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो उसकी वजह से एक परफेक्ट गाइडेंस लोगों को मिल रहा है, ठीक है। सो हैट्स ऑफ टू द यूट्यूब। और मेरे बाल दिखा दूँ मैं आपको, हियर इट इज, मैंने मेहंदी अप्लाई किया हुआ है जो कि अभी सूख गया है, मुझे धोना चाहिए। मेहंदी में 2 दिन के गैप में लगाता हूँ क्योंकि बाल थोड़े डेंस लगे और उनको एक सपोर्ट मिले खड़े होने के लिए अच्छे से। सो मेहंदी अच्छा है, लगाते रहो। और ये 1 महीने का रिजल्ट है, मुझे कुत्ता ने काटा है कि वीडियो डालूँ और ये सब, मुझे एक जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं लोगों तक शेयर करूँ और लोग भी उसका बेनिफिट ले, लोगों को भी उसका फ़ायदा हो, और क्या बोलते हैं ना उसको, अच्छा कुछ करना था इसलिए। और मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द आप जिस भी चीज़ में उलझे हुए हो उससे आपको मतलब छुटकारा मिले और ग्रोथ के लिए आपको एक लंबा रास्ता मिले। सो मैं बहुत सारे उर्दू वर्ड यूज़ करता हूँ और जो भी है इंशाल्लाह वगैरह वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे दोस्त लोग हैं जो कि मुस्लिम है और अलग अलग कास्ट के दोस्त लोग हैं। सो ये एक क्या बोलते हैं ना मेंटालिटी है जो ये जनरेशन की नहीं है, अपन ये जनरेशन के लोग हैं, और जो भी अपने पिछले एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने कर दिया है कि ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ सिख, ही इज़ ईसाई और ये मराठी और समथिंग ये सब। सो ये सोच में नहीं रहना है कि अभी हमारे ही हाथ में है कि हम किस तरह यूनिटी रखें और अपने जो भी अपोनेंट्स से, जो भी अपने दुश्मन लोग हैं उनको दिखाए कि हम में कितना दम है। और मैं मंदिर के सामने से भी जाता हूँ तो हाथ जोड़ता हूँ, और मस्जिद के सामने से भी जाता हूँ तो दुआ करता हूँ। सो ये सब चीज़ें रहती है, अपनी मेंटालिटी रहती है। रिलीजन सबसे पहले धरती पे आया, इंसान आया, उसके बाद रिलीजन और ये सब पार्ट पड़ते गए, ठीक है ना। सो सबसे पहला धर्म मैं तो इंसानियत मानता हूँ, पहला धर्म जिसमें ही क्या बोलते हैं ना उसको पावर है, जिसमें ही असली शक्ति है जो कि हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर यू नो ओवरकम कर सकती है। सो ये सब चीज़ें हैं, ये जनरेशन ने सोचनी चाहिए, कोई भी टॉपिक उठाकर उसे वायरल नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर से 1 हफ्ते बाद हेयर्स का और एक वीडियो डालूंगा जिसमें मुझे कुछ अच्छी टिप्स अभी ढूंढनी है,
आई एम येट टू फाइंड इट। जैसे ही मिल जाएंगी मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो, और जल्द से जल्द हम 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। सो दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल कि मैंने जस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे पता नहीं था कि लोगों को वो इतना पसंद आएगा और लोग उसको इतना प्रेफर करेंगे। सो दोस्तों ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। खुशी बहुत होती है मुझे जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। हर एक कमेंट्स को मैं लाइक और लव करता हूँ और आपके आंसर्स देने का मैं ट्राई करता हूँ। सो मोस्टली सवाल इसी पे है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इसमें से कौन सी दवाई प्रेफर करूँ या फिर आपको कैसा रिजल्ट्स लगा ये वो सर। सो आपके सामने रिजल्ट से साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं है मुझे। मैं जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ खुद के ऊपर तो साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। सो आई वुड से इट इज़ बेस्ट टू गो, और बस यही सब बताना था। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना, और ये जनरेशन में जियो, और जितना हो सके उतने यू नो पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को हैंडल करो। जितना हो सके उतना लोगों को अच्छी सलाह दो, और खुद आप पहले खुद में फेमस हो जाओ फिर पब्लिक के सामने फेमस हो, ठीक है। सो उसका असली मज़ा उसके बाद ही आएगा कि खुद में फेमस होना क्या रहता है और पब्लिक में फेमस होना क्या रहता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन लोग को बोर होता होगा मेरी बात वो लोग भी कमेंट कर दे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ें बात ना करूँ और सिर्फ हेयर्स के ऊपर ही बात करूँ। और बस थैंक यू सो मच।